मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से आपके चौबे सर आपके सामने। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेडियस हम कैसे निकालते हैं। यस बच्चों, उसको जानने के पहले हमको यह जानना होगा कि बोर मॉडल एप्लीकेबल कहां होता है। बच्चों सुन लो मेरी बात, बोर मॉडल जो है इट इज ओनली वैलिड फॉर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उसी के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है। जैसे बच्चों सुनो, मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब हमारा जो बोर्स मॉडल है, हमारा जो बोर्स मॉडल है इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब बच्चों, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं ऐसे भी चल सकता हूं कि इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग अगर मैं लिखना चाहूं तो चल सकते हैं कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन की तरह स्पेसिस। बच्चों इच हैज, सबके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। इच हैज वन इलेक्ट्रॉन। आई बच्चों बात समझ में? तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उसी के लिए हमारा जो है बोर मॉडल जो है वो लागू होता है। बच्चों एग्जांपल दो, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, पहले इसको पॉज करके आप नोट कर लें। देखिए बच्चों एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखिए बच्चों, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल्स। हाइड्रोजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लागू होगा, इसके लिए बोर मॉडल लागू हो जाएगा। बच्चों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए बोर मॉडल लागू होगा। बच्चों अब हीलियम के पास देखो दो है, तो बोर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस हीलियम एटम, नहीं लागू होगा। एक तो निकाल दो आप बच्चों, एक निकालोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो दो में से एक निकाल चुके, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, यस होगा। Hg प्लस के बाद एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो बोर मॉडल इसके लिए लागू हो सकता है। बच्चों Li3 यहां पे देखो एटम नंबर 3 है, इसमें अगर लिथियम में तुम क्या चेंजेस करोगे कि ये लागू हो जाए बोर्स मॉडल, तो बच्चों दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो दो पॉजिटिव, दो आपने निकाल दिया है। इलेक्ट्रॉन तीन थे, आपने दो निकाल दिया, तीन इलेक्ट्रॉन थे। याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को बताता है, आपने तीन में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो बच्चों याद रखना, ये बोर मॉडल जो है लागू होगा इसके लिए लागू नहीं होगा। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होता है बोर मॉडल, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लागू होता है बोर मॉडल, याद कर जाओ, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लागू होता है बच्चों। तो बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हीलियम। देखो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं बच्चों कि बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर H एटम, Hg प्लस आयन एंड Li2, अभी जो दिख रहा है Li2 प्लस आयन। बच्चों क्लियर होगी बात कि हमारा बोर मॉडल किस लिए एप्लीकेबल हुआ। चलो बच्चों वेरी गुड, आपको पॉज करिए, नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब बच्चों बात करेंगे डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हो जाएंगे, जो मैंने बताया था आपको, उसके लिए रेडियस कैसे निकालते हैं। बच्चों तो मैं हेडिंग देता हूं, रेडाई, रेडियस का प्लूरल
रेडाई ऑफ वेरियस ऑर्बिट, वेरियस डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हो सकते हैं उसके लिए रेडियस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब मजे देखिए मेरे साथ, देखिए यूं समझा देता हूं। देखिए बच्चों याद रखिए, जैसे ये आपका एटम अगर हुआ तो ये बच्चों हुआ न्यूक्लियस। अब बच्चों सोचो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। अगर मैं ये मान लूं बच्चों, अगर ये मान लूं कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए अगर जेड मान लेते हैं बच्चों, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स होता है, तो उसके पास जेड प्रोटॉन्स होंगे। और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे बच्चों चार्ज कितना होता है, प्लस ही, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ऑपोजिट। तो एक प्रोटॉन पे प्लस ही अगर है तो बच्चों जेड प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होगा, सही बोला बच्चों आपने, जेड ई होगा बच्चों। यहां क्या हो जाएगा, प्लस जेड ई। बच्चों आई बात समझ में, क्या एटॉमिक नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन्स की संख्या को, जेड टोटल प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, दिस इज कॉल्ड बच्चों न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज। एक प्रोटॉन पर प्लस ही चार्ज होता है, जेड प्रोटॉन्स पर कितने चार्ज होंगे, तो प्लस जेड ही होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। और यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो अगर मूव कर रहा है, बच्चों मिटाओ इसको, चलो आप बच्चों नोट कर लोगे इसको, एटॉमिक नंबर जेड मैंने मान लिया था, ठीक है, बच्चों यहां लिख देता हूं मैं चार्ज ऑन, यहां लिख देता हूं चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन बराबर प्लस ई, तो चार्ज ऑन जेड प्रोटॉन्स कितना हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे प्लस जेड। बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन वी से अगर मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वी से मूव कर रहा है वेलोसिटी से, ये बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव कर रहा है, यहां पर आप बना लीजिए सेंटर पर, ये हो जाएगा प्लस जेडी, और बच्चों ये हो जाएगा रेडियस आर, ये हमको निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है यहां तक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं, देखो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करता है, मैंने बच्चों क्या बताया था कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, अब बच्चों यहां दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक अंदर एक बाहर की तरफ, बताया था ना, एक सेंट्री, एक क्या बताया बच्चों बता रहा हूं मैं, बताया था ना यहाँ पे, देखो मैं यहां बना रहा हूं फिगर पे, देखो बच्चों यहां बना रहा हूं, यहां बच्चों बना रहा हूं मैं, ये आपका है प्लस जेड ई, और यहां से बच्चों अगर एक फोर्स लग रहा है तो यहाँ एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसको मैंने क्या बोला था, सेंट्रीपिटल, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला था बच्चों। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जी है, इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान सकते हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो, ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है, ये जो मूव कर रहा है, एक फोर्स सेंटर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है बच्चों, है ना, एक सेंटर की तरफ, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो बच्चों यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड कूलंबिक फोर्स, मैंने बताया था बच्चों कूलंब्स लॉ, एफ बराबर के Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, और ये बच्चों हो गया आर। तो बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम क्या लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स हम क्या लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, तो टुवर्ड सेंटर का जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज कूलंबिक फोर्स, ये बच्चों हो जाएगा कूलंबिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, कूलंबिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ये फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा के एफ, याद करो एफ बराबर के Q1 हो जाएगा जेड, Q1 कितना हो जाएगा जेडी, तो ये हो जाएगा, सिर्फ याद रखो मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और ये बोलते हैं कूलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये क्या बच्चों नेगेटिव है, तो के हो जाएगा इंटू हो जाएगा जेड ई इंटू ई बच्चों बाई हो जाएगा क्या आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जेडी है, न्यूक्लियस का चार्ज हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों क्या हुआ, कूलंबिक फोर्स के बराबर, मैंने बताया था एफ बराबर क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करते हैं, जिसका वैल्यू बच्चों आता है एफ बराबर एम ए, और m हो जाएगा, और एक्सिस्टन बच्चों आता है सर्कुलर मोशन में v स्क्वायर बाई r, जो फिजिक्स में आप पढ़ोगे बच्चों। तो f बराबर m इंटू a, m और a का बच्चों, a मतलब एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू आता है v स्क्वायर बाई r।
अब बच्चों ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, ये आपका बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन बच्चों घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन बच्चों घूम रहा है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स और ये बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे बच्चों। और जब बराबर होंगे तो हम क्या बच्चों लिखते हैं, मिटाओ बच्चों, आप इसको बच्चों नोट कर ले बढ़िया से पहले, ठीक है मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। ओके देखिए अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों क्या होगा, यहां मैं देखो लिखता जाता हूँ, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है मैं लिख दूं बच्चों यहां पे, क्या लिख रहा हूं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगा हमारा, बोलो बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर करते बच्चों, तो ये हो जाएगा के जेडी इंटू ई, तो बच्चों जेडी स्क्वायर हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा बराबर के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया, और बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ये बच्चों आ गया। अब ए आर आर कैंसिल कर दो आप, इधर लाओ बच्चों, तो वी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के जेडी स्क्वायर बाई एम आर, बच्चों ये वी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हो गया बच्चों याद, बात समझ में आई, आई होप बच्चों क्लियर हो गया। अब बच्चों याद करो, अब बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों याद करो कि आपने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और ये तो हम बता दिए सही है, लेकिन ऑर्बिट कौन सा, कोई भी नहीं, कोई ऑर्बिट नहीं, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, सही बोले, एच बाई टू बाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा बच्चों। तो यहां मेरी अब कहानी होगी, यहां से स्टार्ट होगी, देखो बच्चों ये हो जाएगी हमारी कहानी क्या, कि किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट को डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा एम वी आर बराबर हो जाएगा एन एच बाई टू पाई, यहां से बच्चों हमने वी निकाल लिया, ये हो जाएगा एन एच बाई टू पाई एम आर, ये बच्चों आ गया, वी निकाल दिए। अब बच्चों स्क्वायर करके दोनों बराबर करते हैं, यहाँ स्क्वायर करते हैं बच्चों, V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर, बच्चों यहाँ भी V स्क्वायर है, यहाँ भी V स्क्वायर, बच्चों दोनों बराबर कर दूं मैं, कर सकता हूँ, देख लीजिए बच्चों, बच्चों तब दोनों बराबर हम करेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ बच्चों देख रहा हूँ, यहाँ भी V स्क्वायर हो गया, यहाँ बच्चों V स्क्वायर हो गया, यहां से निकाले, फिर ये वाला कंसेप्ट से निकाले, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एन एच बाई टू पाई, एन इज ऑर्बिट नंबर, वी बराबर हो जाएगा एन एच बाई टू पाई एम आर, स्क्वायर किया बच्चों वी को, तो वी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, बच्चों आई वी स्क्वायर आई वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा बच्चों, बराबर कर दें, ये बच्चों हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर, एम आर बराबर बच्चों एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये देखिए बच्चों ये स्थिति आ गई, ठीक है बच्चों यहां तक समझ आई, चलो पॉज करके बच्चों नोट करो, ठीक है देखो, बच्चों एक एक चीज डिराइवेशन बहुत जरूरी है, बहुत दो वैल्यू सी बता देते हैं लेकिन डिराइव नहीं करोगे ना तो फीलिंग नहीं आएगी, फील नहीं कर सकता केमिस्ट्री को। अब बच्चों यहां बताओ ये एम और ये आर, ठीक है ये एम, ठीक है बच्चों ध्यान से एम है और आर है, तो ये और ये, ठीक है बच्चों कट गया, इससे इससे कट गया, ठीक है बच्चा, अब देखो क्या आ जाएगा, आर निकाल दो वहां से, तो बच्चों R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M K Z E, सोचो रट जाना आकर के डायरेक्टली पूछ देता है, R बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर है ना बाई 4 पाई स्क्वायर M ठीक K Z E स्क्वायर, हो गया बच्चा, ये आ गया nth ऑर्बिट, मतलब बच्चों ऐसे लिख सकते हैं इसको R बराबर R N, nth ऑर्बिट के रेडियस, ये बच्चों हो जाएगा, अब देखो बच्चों क्या करते हैं, एन स्क्वायर बाई जेड को अलग करो हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए, ठीक है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बच्चों हो जाएगा स्क्वायर बाई जेड, ए हो जाएगा एच स्क्वायर बाई हो जाएगा बच्चों, देखो ये मैंने कर दिया,
एन स्क्वायर एन जेड। अब इसको छोड़ के लिख दीजिए वैल्यू जो है एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर हो गया, एम हो गया के ई स्क्वायर, ठीक है। चलो एच स्क्वायर बाई जेड हो गया, अलग कर दिए एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ठीक है। चलो एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड हो गया, अब एन स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अब बच्चे वैल्यूज को पुट करते हैं, तो बच्चों जब वैल्यूज पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा आर बराबर आर एम, ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एच बराबर 6.6210 to the power -34 का स्क्वायर हो गया बाई, ये बच्चों हो जाएगा 4 × 3.14 का स्क्वायर हो गया, और m का वैल्यू है 9.110 to the power -, बच्चों SI में याद करो ये मास ऑफ, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा k का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 to the power 9, और इलेक्ट्रॉन पर बच्चों चार्ज का वैल्यू क्या होता है 1.602 × 10 to the power -19 हो गया। बाकी बच्चों क्या है स्क्वायर है, देखो बच्चों ये आ गया, मैंने बच्चों क्या किया सबका वैल्यू पुट कर दिया, सब वैल्यू आप जानते ही हो, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है 4, पाई का वैल्यू 3.1 होता है बच्चों, तो पाई स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, एम का वैल्यू ये, के का वैल्यू ये, और ई स्क्वायर हो गया बच्चों। तो अब बच्चों जब सॉल्व करेंगे इसको आप, तो आपको हम आसान कर देते हैं बच्चों, आसान कर देते हैं, ये बच्चों आ जाएगा आर एन बराबर लगभग बच्चों ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड इंटू बच्चों 0.53, ठीक है, इंटू बच्चों 5 to 9 आता है बस 5 to 3 मैंने करता है बच्चों फॉर इजी कैलकुलेशन, और ये हो जाएगा 10 to the power -10 meter। ये बच्चों फाइनली आपको याद करना है, ये बच्चों आपको फाइनली याद करना है, और ये बच्चों फाइनली इसको मिटाओ बच्चों, इसको जब फाइनली हम बच्चों करेंगे तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो मेरा आया बच्चों इसको याद बच्चों रखोगे, आर एन बराबर बच्चों क्या आया, आर एन बराबर, और 1 angstrom बराबर क्या होता है बच्चों, 1 angstrom बराबर पता है ना 10 to the power -10 meter होता है बच्चों, तो ये हम लिख सकते हैं 0.53 n स्क्वायर बाई जेड angstrom। देखो बच्चों ये मैंने लिख दिया आर एन बराबर क्या हो जाएगा 0.53 n स्क्वायर बाई जेड angstrom, जहां n का मतलब हुआ ऑर्बिट नंबर और जेड का हुआ एटॉमिक नंबर हुआ। इसी से बच्चों सारे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मान लो कि मुझे अगर हाइड्रोजन के लिए बच्चों निकालना हो तो फॉर एच एटम, मान लो अगर हमको निकालना हो फॉर एच एटम, तो एच के लिए बच्चों जेड क्या होता है 1 हो जाता है, तो एच के लिए जेड बराबर 1 आया। अब हमको एच के लिए अगर आर वन का वैल्यू निकालना है तो बच्चों यहाँ तो 1 हो गया, तो अब आर एन क्या हो जाएगा, तो आर एन बराबर हो जाएगा बच्चों, आर एन बराबर हो जाएगा 0.53, जेड तो 1 हो गया, एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों सीधे याद रखेंगे ये, ठीक है ना, डायरेक्टली आर एन बराबर आ जाएगा 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो अब देखो फॉर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए ये हो गया, हाइड्रोजन के लिए nth ऑर्बिट का, ये nth ऑर्बिट का रेडियस मतलब n बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लो आप, मतलब कुछ भी मतलब इन द सेंस इंटीजर में ही, तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। इनपुट करते जाओ n बराबर 1 तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के निकल जाएगा, n बराबर 2 तो निकल जाएगा सेकंड ऑर्बिट के लिए। बच्चों इसको पॉज करके मिटाओ बच्चों, चलो मिटा रहा बच्चों, ओके 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 चलिए, ये बच्चों देखो मैं बता रहा हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूँ। देखिए बच्चों अब यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब मान लीजिए हमको आर वन चाहिए, आर वन चाहिए निकल जाएगा, आर वन ये हो जाएगा आर वन बराबर 0.53 एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब बच्चों अगर आर टू निकालना है तो बड़ा आसान है, ये एच के लिए हाइड्रोजन के लिए निकालना है बच्चों 0.53 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों एन बराबर 2 पुट कर दो तो 2 स्क्वायर एंगल स्टॉप, आर थ्री बराबर 0.53 ये 3 स्क्वायर एंगल स्टॉप, ये बच्चों करते चले जाएंगे। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बच्चों पॉज करो एक क्वेश्चन बच्चों मैं बताता हूँ इस पर तुमको। ठीक है बच्चों इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले बनाने की कोशिश करिए आप। बच्चों देखो क्या है, ये रेशियो निकालना है, देखो रेडियस मैंने लिख दिया ना ऑर्बिट का, बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, एन तो 1 हो गया। अब बच्चों क्या होगा, अब यहां पर मैं लिख दूंगा सीधे
कि आर एन बच्चों क्या हो जाएगा, मतलब सीधे जेट तो जेट देखो एटॉमिक नंबर जो है वो सबके अलग अलग होगा, एच के लिए अलग, एच सी प्लस के अलग, एल आई टू प्लस के अलग होगा, एन बच्चों सबके लिए सेम हो जाएगा। तो वो जो सीधे मैं अगर बनाना चाहूँ सीधे बच्चों बना सकता हूँ, देखो मैंने पहले लिया एच के लिए हटाओ, मैं सीधे आर लिख रहा हूँ बच्चों ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं, मैंने एक रेडियस लिया एनथ ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर आर आते हैं, अब एच के निकालते हैं, याद रखो हाइड्रोजन के निकाल रहे हैं, फिर बच्चों निकालते हैं एच ई प्लस के लिए, और फिर बच्चों निकालते हैं आर एल आई टू प्लस के लिए, ठीक है हो गया बराबर ओके बच्चों बराबर। अब देखो एच के लिए यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा बच्चों क्या 0.53 सही, देख लो एन तो वन हो गया, अब भाई जेड जेड बच्चों वन होता है एच के लिए, यहां वन लिख देता हूं मैं इस टू, अब तो फिर आओ अब एच ई प्लस के लिए आओ, ये बच्चों हो जाएगा 0.53 सही है ठीक है ठीक है बच्चों, इसका तो वन वन हो गया फर्स्ट ऑर्बिट तो वन हो गया, और जेड जेड बच्चों कितना होगा टू होता है एच ई प्लस, एच ई के लिए टू, एच ई प्लस के लिए भी टू ही होगा, तो ये टू हो गया बच्चों मेरे। अब यहाँ पे आओ, अब आर एल आई टू प्लस के लिए ठीक है, अगेन एन स्क्वायर दी तो वन है, तो वन स्क्वायर वन हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 0.53 ठीक है, और एल आई के लिए एल आई प्लस टू के लिए एल आई टू प्लस के लिए कितना होता है एटॉमिक नंबर तीन होता है, सही बोले बच्चों, तो एक मिनट ये हो जाएगा तीन। अब बच्चों ये ऊपर वाला तो सब कॉमन खत्म कर दो, ये बच्चों आ गया वन, ये बच्चों आ जाएगा हमारा क्या, ये बच्चों आ जाएगा वन इस टू आ जाएगा वन बाई टू इस टू आ जाएगा वन बाई थ्री। अब बच्चों ऐसे से गुना करो जिससे कि नीचे वाला टर्म एकदम कंप्लीट, तो छह से बच्चों गुना कर दें, देखो कुछ छह आ जाएगा, यहाँ छह से गुना कर रहे हैं तो तीन आ जाएगा, और यहाँ भी छह से गुना कर रहे हैं तो दो आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 6:3:2। सब राइट बच्चों बात, कैसे लिख दिया मैंने, आपको फ्रैक्शन से हटा देना है, ऐसा आना चाहिए एकदम एकदम, देख रहे हो कितना बढ़िया रेशियो आ रहा है, तो छह से गुना कर दो तो 6:1:6 आ गया, यहाँ छह से गुना करो तो दो तीन छह, और यहाँ भी छह से गुना करो, अरे मिनिमम इतना नंबर लो ना कि नीचे वाला खत्म हो जाए, सिंपल है। अगर चार से गुना करते तो यहाँ नहीं आता, पांच से गुना करते तो नहीं आता, छह से गुना करो मिनिमम नंबर छह से, तो 6:1 देखो सब पटपटा किया गया, तो 6:1 छह, यहाँ छह से तीन, यहाँ छह से दो आ गया, तो बच्चों ये हमारा रेशियो हो गया। बच्चों पॉज करें, नोट करें इसको, बढ़िया से नोट करिए, समझे बच्चों, आपको सोचना है इस क्वेश्चन पे, यहाँ बराबर नहीं है, अच्छा यहाँ पे बच्चों सबको सोचना है, सोच सोच के आपको बनाना है, बस क्वेश्चन सोच बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं ठीक है। तो मैं सारा जब बच्चों फंडा बता दूंगा ना तब इस पर एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, समझे बच्चों ये कैसे बना, आपको ये एक याद रखना है बस, यहाँ पे टर्म एन का मतलब ऑर्बिट नंबर हुआ और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर हुआ, ऑर्बिट नंबर एटॉमिक नंबर, यही क्वेश्चन पूछा है कि पहले ऑर्बिट अगर हम तीनों को लें, पहला ऑर्बिट रेडियस का अनुपात क्या होगा, एच का ये होगा, एच जी प्लस का ये होगा, एल आई टू प्लस के लिए होगा, और ये बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर इसमें पूछेगा, तो कोई बच्चों ऐसा नंबर लो जिससे नीचे वाला साफ हो जाए, देखो ना दो तीन अच्छे, दो तीन अच्छे हुआ ना, अच्छे से गुना, अच्छे से ले लो सब गुना कर दो, तो छह से जब गुना करोगे इसमें ठीक है, छह जब गुना करोगे मतलब आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे कि नीचे फ्रैक्शन नहीं है, मतलब ये सॉरी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, यहाँ रहा है ना वन 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 बाई टू वन बाई थ्री नहीं आना चाहिए, तो छः से गुना किए, कोई और नंबर लो मिनिमम ऐसा नहीं आएगा, पाँच से गुना करो नहीं आएगा, तो छः से गुना किए तो 6:1:6 आ गया, छः से गुना किए तो थ्री आ गया, 6:1:3:2 आ गया, ये बच्चों ऐसा आ गया। तो बच्चों मैंने रेडियस निकालना आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ओके बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।